Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer, along with the proud digital networker as well as video sales expert. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है। कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, इन सारे ऑनलाइन बिजनेस में कोई ना कोई मेरी वीडियो आपके इस बिजनेस में, इन बिजनेस में डेफिनेटली बूम लेके आ सकती है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। सो गाइज, आज की वीडियो ना बहुत जबरदस्त होने वाली है, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो। ऐसा कॉन्टेंट कहीं नहीं मिलेगा गाइज, शुभम के चैनल पर मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेगा मने को पाने का। सो अब बात करते हैं, अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है किसी भी बिजनेस में, अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है किसी भी बिजनेस में, तो आपको सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। अब आप बोला कि वाह क्या बात बताई भाई, ये तो हमें पता है। अब ये तो हमें पता है भाई कि सेल्स बढ़ जाएगी तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन सेल्स बढ़ाऊं कैसे ये तो कोई बताता ही नहीं है। मैं बताऊंगा ना, टेंशन किस बात की ले रहे हो, मैं बताऊंगा, आगे आपके सामने। अब मैं आपको कुछ, आपको दो ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, ठीक है, अब कंपनी कोई भी हो यार, देखो सबका काम करने का तरीका एक ही होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप कोई भी बिजनेस में हो, अगर आप बिजनेस में हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिक रहा होगा, ठीक है, या तो प्रोडक्ट बिक रहा होगा या सर्विस बिक रही होगी या फिर कुछ भी बिक रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बिक रहा होगा तभी हम उसको बिजनेस करते हैं। और जो जॉब वाले भी सोचते हैं ना, वो भी किसी का बिजनेस ही चलवा रहे हैं जॉब करके, ठीक है। सो एट द एंड क्या इससे रिजल्ट निकलता है, जब तक बिजनेस मतलब कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का लिया बेची, मतलब कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। अब कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपनी सेल्स, ठीक है। अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग और इन ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड ही बात करूंगा अभी, ठीक है। सो दो तरीके हैं जिससे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब पहली चीज, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना चेक बढ़ाना चाहते हो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, रेवेन्यू बड़ा करना चाहते हो, तो उसके भी दो रीजन है, दो ही फैक्ट है, ठीक है, दो ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, या तो भाई अपनी टीम बड़ी कर लो, न्यू ज्वाइनिंग्स, ठीक है, या फिर दूसरा, जो एग्जिस्टिंग टीम है, जो एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको उनसे ही ज्यादा प्रोडक्ट बिकवाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब पहले प्रोसेस का जो नाम है दैट इज क्रॉस सेलिंग, ठीक है। अब क्रॉस सेलिंग से क्या समझते हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा, सो दैट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और मैं ना प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको जो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे मैकडोनल्ड्स गए हैं, मैकडोनल्ड्स हर कोई जाता है यार, है ना, आलू टिक्की खाने और ये बर्गर वगैरह खाने। मुझे वैसे काफी टाइम हो गया है, मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, उससे आप समझना। आज मेरा मन है आलू टिक्की खाने का, ठीक है, मैं गया मैकडोनल्ड्स में, ठीक है, मैकडोनल्ड्स में आलू टिक्की जब लास्ट मैंने खरीदी था 40 रुपए के आसपास थी, वो आलू टिक्की मैंने मंगाई, ठीक है। अब मैं गया काउंटर पे और मैंने जैसे ही मैंने उनको बोला कि मुझे एक आलू टिक्की चाहिए, तो वो उन्होंने क्या बोला कि सर एक कॉम्बो चल रहा है। अब कॉम्बो चल रहा है, मैं कहा बताओ क्या कॉम्बो चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप एक आलू टिक्की लोगे, ठीक है, एक कॉम्बो चल रहा है आलू टिक्की के साथ एक कोल्ड ड्रिंक प्लस फ्रेंच फ्राइज 100 रुपीज के अंदर मिल रहे हैं। तो वहां पे ना मेरा दिमाग देखो, उस सामने वाले बंदे ने मेरा दिमाग क्या कर दिया कि यार मैं तो आलू टिक्की खाने जा रहा हूं, ठीक है, और वो ये चीज बताती है कि भाई आलू टिक्की 40 रुपए की है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक है वो 60 रुपए की है और फ्रेंच फ्राइज 20 रुपए की है। मतलब एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, ये मत कहना कि रेट है, ये नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, आलू टिक्की 40 रुपए की, कोल्ड ड्रिंक 60 रुपए की और 20 रुपए की फ्रेंच फ्राइज। मतलब अगर आप हम तीनों उनको, मैं उनको तीनों इंडिविजुअली लूंगा उनसे, तो वो 120 रुपए का आइटम बैठ रहा है, लेकिन अगर कॉम्बो, अगर वो उसने बोल दिया कॉम्बो, उसने वर्ड बोल दिया कॉम्बो, मेरा दिमाग हो गया कॉम्बो, भाई कॉम्बो चल रहा है, तो 100 रुपए में आपको तीनों चीज मिल जाएंगी, तो मैं लूंगा क्या नहीं लूंगा, मैं डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि मुझे वहां पर मेरा फायदा दिख रहा है यार, 20 रुपए बच रहे हैं यार, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, फ्रेंच फ्राइज मिल जाएगी, आलू टिक्की तो मेरे को मिल रही है, दैट इज क्रॉस सेलिंग, ठीक है यार। भैया समझ नहीं आया यार, मतलब कैसे क्या कहना चाह रहा हूं मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। अब आ जाते हैं फॉरएवर में, मैं तो फॉरएवर में हूं, बाकी आप वेस्टेज में हो, आप जोन सी भी कंपनी में, आप वहां से उसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ अपनी कंपनी का पता है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब मान के चलो मेरी एक कस्टमर है जो मेरे से बी प्रोपोलिस क्रीम लेती है, ठीक है, बी प्रोपोलिस क्रीम लेती है, तो अपनी स्किन पे, अपने चेहरे पे लगाती है वो स्क्रीन। अब क्या उसके पास लिप्स नहीं है, लिप्स भी है ना उसके पास, सो अब मैंने क्या किया, क्रॉस सेलिंग करी, जैसे उसने कहा कि भैया मुझे एक बी प्रोपोलिस क्रीम मंगा दो, ठीक है, सो मैंने क्या क्रॉस सेलिंग करी वहां पे, मैंने क्या बोला उसको कि आप एलो लिप भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है ये भी। तो अब वो मुझे कि एलो लिप कितने की, एलो लिप जो हमारी क्रीम है बी प्रोपोलिस क्रीम, उससे बहुत सस्ती है, ठीक है,
सो अगर मैं उसको ये भी रिकमेंड करता हूँ बी प्रोमोटर के साथ साथ आप इसको भी यूज करके देखो, यू आर गोइंग टू लव दिस। सो अगर वो ले लेती है तो क्या ये मेरा सेल नहीं इंक्रीज हो रही है गाइस? ठीक है, कस्टमर एक ही था ठीक है, जो कि मेरे से सिर्फ बी प्रोमोटर स्कीम ले रहा था, लेकिन मैंने क्रॉस सेलिंग का फॉर्मूला यहां पे लगाया और उसको एक और प्रोडक्ट बेच दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस सेलिंग में सस्ता रखना है। ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हो उसको ये बी प्रोमोटर स्कीम और उसके साथ आपने उसको आरजी प्लस दे दिया। आरजी प्लस बहुत महंगा है, वो ये वाला ऑर्डर भी कहीं ना कहीं आपसे बैक ले लेगी। ठीक है, या फिर बैक ले लेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसा क्रॉस सेलिंग मीन्स आप जो प्रोडक्ट उसको दे रहे हो वो तो दे रहे हो, उसके साथ कुछ छोटे अमाउंट का प्रोडक्ट भी उसको दे सकते हो, जस्ट लाइक कि आप इसको यूज करके देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपकी सेल बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का भी दिया है मैंने, इसका भी दिया है, लाइव एग्जांपल्स हैं, करके देखो गाइस। कोई अगर आपसे प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट ले रहा है ना, उसको सेकंड प्रोडक्ट की भी पिच किया करो। कस्टमर ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, एक ही कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट बेचने की भी कोशिश बेचोगे ना, तो जब भी आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बढ़ता चले जाएगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरा फॉर्मूले का नाम है अपसेलिंग। अब देखो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, हम आईनॉक्स में जाते हैं, हम पीवीआर में जाते हैं, हम थिएटर्स में जाते हैं। ठीक है, और अगर हम मिडिल क्लास फैमिली है तो हमेशा हम ना वो सोचते हैं, अगर चार जने गए, अगर मैं पॉपकॉर्न लाऊंगा ना यार, स्मॉल जो होगी वो तो छोटी हो जाएगी, तो मैं ना मीडियम साइज के लिए आऊंगा। ठीक है, सो आपने देखा होगा हमेशा पॉपकॉर्न जो छोटे वाला है, मान के चलते हैं, वो 50 रुपए का है। ठीक है, जो मीडियम वाला है वो 85 रुपए का है, और जो लार्ज वाला है वो 100 रुपए का है। अब हमारे सामने देखो, वहां पे मार्केटिंग हो रही होती है, वहां पे अपसेलिंग हो रही होती है, वहां पे मार्केटिंग हो रही होती है। 50 रुपए का पॉपकॉर्न स्मॉल, ठीक है, 85 रुपए का पॉपकॉर्न मीडियम, और 100 रुपए का पॉपकॉर्न लार्ज। आप कौन सा लोगे? आप मन बना के पहले गए हो कि मुझे मीडियम चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आप उसके बाद मीडियम लोगे जब आपको दिख रहा होगा कि लार्ज 15 रुपए और देते ही मुझे लार्ज मिल रहा है, तो क्या आप कभी मीडियम लोगे? कभी नहीं लोगे गाइस, है ना? तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिसको बोलते हैं अपसेलिंग। ठीक है, कोई अगर प्रोडक्ट आप छोटा, कोई आपसे प्रोडक्ट ले रहा है ना, तो उसको बड़ा प्रोडक्ट भी पिच करो। अब ये मत कर देना कि कोई एलोवेरा जेल ले रहा है तो उसको आरजी प्लस ही कर दिया, नहीं, थोड़ा सा उससे ऊपर। अब मैं इसका लाइव एग्जांपल बता दूं मैंने कैसे किया। एक मेरे पेशेंट है, मतलब एक मेरे कस्टमर है, और वो ना मेरे से आर्टिक्स ही लेते हैं, बहुत दिन से आर्टिक्स ही ले रहे थे, क्योंकि जॉइंट्स में पेन था। तो वो बोल रहे यार, मतलब रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन इतना रिजल्ट नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, सो मैंने क्या पिच किया वहां पे, आर्कटिक सिक की जगह अब फॉरएवर एचए देना स्टार्ट किया उनको। थोड़ा सा महंगा है, आर्कटिक सिक है, फॉरएवर ये जो एचए है ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये इससे ज्यादा भी रिजल्ट देता है, मुझे ये भी पता था। तो मैंने क्या पिच किया कि इसको ना लेके आप इसको लेके देखो, तो शायद आपको रिजल्ट और ज्यादा आए। अब सोचो, जब प्रोडक्ट सस्ता था तो मेरा कमीशन भी सस्ता था, जब प्रोडक्ट महंगा हो गया क्या उसमें मेरा कमीशन नहीं बढ़ गया? क्या उसमें मेरी सेल नहीं ज्यादा बढ़ गई? और सेल बढ़ते मेरा रेवेन्यू ज्यादा नहीं हो गया? डेफिनेटली हो गया। एक ही कस्टमर से मैंने अपनी सेल इंक्रीज करा ली, सेल इंक्रीज हो गई तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ठीक है, सो गाइस ये दो ही तरीके हैं अभी तो, कि जिनसे आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से ही सेल्स बढ़वा सकते हो। ठीक है, पहला मैंने बताया क्रॉस सेलिंग पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि और किस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि आपके कस्टमर्स का बिहेवियर आप जानते हो। ठीक है, आपके जो भी कस्टमर्स बने हुए हैं आप उनका बिहेवियर जानते हो किस तरह से करते हैं। ठीक है, आपके जो डाउनलाइंस हैं आप उनका बिहेवियर जानते हो किस तरह से कर सकते हो। अब आपको देखना है कि क्रॉस सेलिंग में कैसे लगा सकता हूं इसमें। ठीक है, जैसे मैं अपनी टीम में करता हूं 1cc, 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 1cc। मैं नहीं कहता भाई 4cc करो, नहीं, पहले 1cc से स्टार्ट तो करो। जो नया बंदा ज्वाइन होता है मैं उसको 1cc के लिए ट्रेन करता हूं पहले, कि आप 1cc करो। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या करी, क्रॉस सेलिंग। वो 4cc सोचेगा तो कर ही नहीं पाएगा, है ना? 1cc से स्टार्ट करते हैं, 1cc कराते हैं, तो यहां पे होगी क्रॉस सेलिंग। और अपसेलिंग में जो मैंने आपको ये थिएटर वाला बताया है कि महंगा प्रोडक्ट भी कभी कभी उसको सामने दे दिया करो, और हमेशा ये दिखाया करो जो उससे जो महंगे वाला प्रोडक्ट है ना वो बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू इसके। जो महंगे वाला प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू इसके। जब वो कहते हैं ना, जब मालिक, जब इतना खर्चा हो गया तो चिप्स ले लेते हैं मालिक, है ना? आपने सुना होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार वो। अपने इंजीनियरिंग टाइम पे मैंने, अपने कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत किया, मालिक जब इतना खर्चा हो गया तो चिप्स ले ही लेते हैं। जब चाय पी रहे होते थे, दो चिप्स ले लिए, मालिक जब दो चिप्स ले तो चार चिप्स ले लेते हैं, है ना? तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हो। ठीक है, जब बंदे को आप यहां तक ऑलरेडी लेके आए हो तो यहां के लिए भी पिच कर सकते हो।
पुश मत करना, सिर्फ पिच करना। पिच करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट और आपकी सेल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आई एम 100% श्योर। सो गाइस, ये दोनों चीजें ना मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। ये पहले मैंने ट्राई करी कि क्या सच में रिजल्ट आता है, क्या जो मेरा कंज्यूमर है, जो मेरा कस्टमर है, उसका बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा। मैंने सेल भी बढ़ा ली अपनी, रेवेन्यू भी जनरेट ज्यादा कर लिया, अपना रेवेन्यू भी बढ़ा लिया, और मेरे कस्टमर का जो बिहेवियर था वो एज इट इज था, क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करता है, ठीक है। सो आप इस तरह से अपने कोई भी बिजनेस में, मैं खाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कह रहा, कोई भी बिजनेस जो आप कर रहे हो, इन दो स्ट्रेटेजीज से आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो, और अगर आपकी सेल इंक्रीज हो गई तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी और कौन सा वाला आप यूज करने वाले हो, क्रॉस सेलिंग यूज करोगे या अप सेलिंग यूज करोगे, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ए या बी दोनों बताना। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।